पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव के बाद दिल्ली नगर निगम MCD की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं कराया जा सका है। आज यानी 22 फरवरी को MCD की 4th बैठक होने वाली है। इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि MCD मेयर का चुनाव हो जाएगा। 6 जनवरी से 24 जनवरी और 6 फरवरी को हुई तीनों बैठकों में मेयर चुनाव की दृष्टि से बेनतीजा रही थी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच मनोनीत पार्षदों वोट करने को लेकर हुए विवाद के बाद सदन की बैठक को 3 बार स्थगित किया जा चुका है। मामला कोर्ट में गया और वहां से फैसला आया कि मनोनीत सदस्यों को मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षदों की वोटिंग इसमें हो रही देरी का मुख्य कारण थी, जिसमें भाजपा का कहना था कि मनोनीत सदस्यों को MCD मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार है, जबकि आपका कहना था कि मनोनीत सदस्यों का वोट करना संविधान के खिलाफ है। मामला कोर्ट में पहुंचा और इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनोनीत सदस्यों को मेयर चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी की जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि MCD में आपका ही मेयर बनेगा। मेयर चुनावों में मनोनीत पार्षदों की वोटिंग को लेकर पिछली कई बैठकों में विवाद देखने को मिला था। भाजपा और आप दोनों ने ही एक दूसरे पर मेयर चुनाव न कराने देने का आरोप लगाया था। दरअसल 6 जनवरी को हुई पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षद को पहले शपथ दिलाना शुरू किया, जिसके बाद पार्षदों ने इस पर आपत्ति जताई और हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। हुई सदन की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। 22 फरवरी को मेयर चुनाव संपन्न हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर शैली ओबेरॉय ने नामांकन किया है। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए पार्षद आले मोहम्मद इकबाल ने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चुनावों में रेखा गुप्ता को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। पीठासीन अधिकारियों के तौर पर LG ने सत्य शर्मा को नामित किया है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए।